कि ऐसा नंबर जो आपकी आत्मा चीख चीख के आपको बताना चाहती है, जो आपके नेचर में इनबिल्ट, जब आपने जन्म लिया तब से ही आपके अंदर वो इनबिल्ट हो गया। सोल की अर्ज है ये, आपके अंदरूनी जो आप हो, एक तो आप हो जो दुनिया के सामने हो, सबको दिखाते हो, पर कई बार वो चेहरा असल का चेहरा नहीं होता है। आप जो बंद कमरे में हो वो क्या हो, वो ये नंबर बताता है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे, एस्ट्रोरन पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका पैशन, आपका जुनून क्या है। वो कौन सा एक काम है जो आपने अगर अपने जीवन में नहीं किया तो आपको कभी भी संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आपका जीवन हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो वो चीज़ जो आपको हर कीमत पे पानी चाहिए, वो आप कैसे जान सकते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने पड़ेंगे जो बहुत ही इजी हैं और बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है आपके नाम की। अब नाम में भी कई सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, किसी का घर में नाम पप्पू, गप्पू, टप्पू कुछ भी हो सकता है, छोटू कुछ भी हो सकता है, पर ये नाम नहीं लेने हैं आपको। आपके दोस्त किसी नाम से बुला रहे होंगे आपको, ये भी नाम नहीं लेने हैं आपको। आपको नाम लेना है वो नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियली आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इसमें अगर आपके कल्चर में है कि आप अपने फादर का नाम बीच में डालते हैं तो उसको आप हटा दीजिए, बस आपका नाम, आपका मिडिल नेम, सरनेम अगर कोई है तो, ये नाम जो ऑफिशियल है इसको लिख लीजिए कहीं पर। इंग्लिश में लिखिएगा नाम, और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंक ज्योतिष में, हर एक अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर की वैल्यू होती है। आपको जो अल्फ़ाबेट देखने हैं अपने पूरे नाम में, वो देखने कि आपके नाम में कितने वोवेल्स हैं, ठीक है। और जैसे कि ए आई ई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, और इनकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। जैसे ए की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, आई की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, ई की न्यूमेरिक वैल्यू 5 है, ओ की 7 है और यू की 6 है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रही है, और अगर ये लेटर्स ए आई ओ यू आपको अपने नाम में कहीं भी दिख रहे हैं तो उनके नीचे ये नंबर्स लिख लीजिए। अब जब आपने ये नंबर्स लिख लिए तो अब क्या करना है कि बस एडिशन करना है, सिंपल। आप इनको जोड़ दीजिए आपस में। एक नाम का एग्जांपल, जैसे रमेश का एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, रमेश में जो वोवेल्स हैं वो आप देखेंगे कि ए है, उसके बाद ई है, 2 वोवेल्स हैं रमेश में, और इनका नाम सिर्फ रमेश मानकर हम चलते हैं, इनका कोई सरनेम नहीं है ऐसा मान के चलते हैं। ऐसे आपका हो तो आप सरनेम ज़रूर लिखिएगा। अब इनको आपस में, इन नंबर्स को जोड़ दीजिए। जोड़कर हो सकता है जैसे रमेश में ए का 1 और ई का 5 वैल्यू थी तो टोटल 6 आ गया, सिंगल डिजिट का नंबर आया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हो सकता है कि डबल डिजिट में नंबर आ जाए तो उन डबल डिजिट को फिर से आपस में जोड़ दीजिएगा और फिर सिंगल डिजिट में आ जाइएगा। हमें सिंगल डिजिट ही नंबर चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इतना काम आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है, शाबाशी दूंगा मैं आपको। और अब हम बात कर सकते हैं कि आपका जुनून और आपका पैशन क्या है, वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सी ऐसी फीलिंग है जो अगर आपकी लाइफ में आपको नहीं मिली तो आपकी लाइफ अधूरी रह सकती है। ओके, तो ये जो नंबर आपने कैलकुलेट किया है अंक ज्योतिष में, इसको बोलते हैं सोल अर्ज नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो आपकी आत्मा चीख चीख के आपको बताना चाहती है, जो आपके नेचर में इनबिल्ट, जब आपने जन्म लिया तब से ही आपके अंदर वो इनबिल्ट हो गया। सोल की अर्ज है ये, आपके अंदरूनी जो आप हो, एक तो आप हो जो दुनिया के सामने हो, सबको दिखाते हो, पर कई बार वो चेहरा असल का चेहरा नहीं होता है। आप जो बंद कमरे में हो वो क्या हो, वो ये नंबर बताता है। तो सोल अर्ज नंबर आपका 1-9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपका सोल अर्ज नंबर 1 है तो आपकी जो हिडन ख्वाहिश है, पैशन है, जुनून है, जिसको आपको हर कीमत में अपने लाइफ में पाना चाहिए, वो है फेम। आपको फेम बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जब तक नहीं बनेंगे, लोग आपकी तारीफ जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप अधूरा महसूस करेंगे। आप हार्ड वर्कर ऑलरेडी होंगे क्योंकि ये नंबर हार्ड वर्किंग नंबर होता है, पर ये नंबर हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फेम पाना चाहता है। ये नंबर गिवर होता है, ये लोगों की हेल्प करता है। तो अगर आपने अपने जीवन में लोगों की मदद नहीं करी तो आप कभी कंप्लीट महसूस नहीं करेंगे। सो नंबर 1 अगर आपका सोल अर्ज नंबर है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका सोल अर्ज नंबर 2 है, तो अगर नंबर 2 है तो आप पीसफुल एटमॉस्फियर है आपके आसपास होना चाहिए।
आपके परिवार में अगर कलह मच रही है, आपके कलीग्स में अगर लड़ाई झगड़ा या पॉलिटिक्स होती है, तो आपको ऐसी जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सोल जो है वो शांति चाहती है, पीस चाहती है, कामनेस चाहती है लाइफ में और फैमिली को चाहती है। आपको हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करते भी होंगे, लेकिन कभी भी परिवार से अलग होने की अगर आपने सोची या आपने किया, तो आपकी जो खुशी है, अंदरूनी खुशी है, वो शायद आपसे छिन जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका सोल अर्थ नंबर 3 निकल कर आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक एक्सप्रेसिव आर्ट में इंडल्ज करना चाहिए। एक्सप्रेसिव आर्ट का मतलब है राइटिंग, पोएट, शायरियाँ, या फिर मेरी तरह वीडियो बनाना, यूट्यूब बनाना, इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाना, अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना। आप ऑलरेडी आपने जो सीखा होता है, वीडियोस में देखा होता है या कहीं भी देखा होता है, आप अपने दोस्त यारों को बताने लग जाते होंगे, आई एम श्योर। बट अगर यही चीज़ आप एक बड़े पैमाने में करो और अक्सर करो, इसको एक हॉबी बना लो, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आओ, लेकिन आसपास भी अगर अपने लोगों को लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से बता रहे हो, तो बताते रहिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, नंबर 3, आपको ज्ञान को बढ़ाते रहना है, ज्ञान को फैलाते रहना है, जो ज्ञान आपने एक्वायर किया है। अब बात करेंगे कि अगर आपका सोल अर्थ नंबर 4 है, दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस नंबर। नंबर 4 है, आप ऑलरेडी बहुत प्रैग्मेटिक हैं अपनी लाइफ में, आप प्रैक्टिकल सोचते हैं, और इत्तेफाक से आपको आपकी जैसी सोच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपको चाहिए कि आपको अपने सराउंडिंग में जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, इनका चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। आपकी जैसी सोच है, हो सकता है कि आपको लाइफ में अक्सर ऐसे लोग ना मिले, तो आपको प्रैग्मेटिक सोच वाले, आपको ऐसी सोच वाले लोग जो ओरिजिनल हैं, ऐसी सोच वाले जो कि रिलेंटलेस हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए। और यही आपकी सोल चाहती है, क्योंकि आपकी सोल ऐसे लोगों के साथ ही सिंक होती है। सो दिस इज एडवाइस फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपका सोल अर्थ नंबर 5 है, बिजनेस, किसी भी चीज़ का बिजनेस, बिजनेस ज़रूरी नहीं है वो कि 1,000 करोड़ों का बिजनेस हो, वो एक महीने का 20,000 का भी बिजनेस हो सकता है, पर बिजनेस में जो एक मज़ा आता है, वो अगर आपने नहीं लिया, तो कई बार आप खुश नहीं रह पाते हैं। बिजनेस में ऑर्डर देना, बिजी रहना, हमेशा दिमाग चलाते रहना, कुछ बड़ा से बड़ा करते रहना, अगर ये चीज़ नंबर 5 आपने नहीं करी, तो आपको वो अंदर की खुशी शायद ना मिल पाए। आगे बात करते हैं, अगर आपका सोल अर्थ नंबर 6 निकल कर आता है, देन यू हैव टू परचेज सम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए कुछ महंगी चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो सोल है उसको थोड़ी लग्जरी पसंद है, आपकी जो सोल है उसको थोड़ा अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पसंद है, और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप अंदर से झुझला जाते होगे अभी भी। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भले ही थोड़ा लेट सही, पर ऐसी चीज़ लें जो कि एक्सपेंसिव हो, और एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा उड़ाना है आपको, एक्सपेंसिव होने के साथ आपके काम की भी हो, जैसे कि एक अच्छा हैंडसेट, एक अच्छा लैपटॉप, थोड़ा महंगा ज़रूर हो पर अच्छा हो, आपके काम का हो। ऐसी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, तो आप हमेशा देखिएगा कि खुश रहेंगे। और इत्तेफाक की बात है, मैंने ये पाया भी है कि जिनका सोल अर्थ नंबर 6 होता है, और वो महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीदते रहते हैं, चाहे फिर वो जैसे खरीदे, हाँ लोन मत मांग लीजिएगा, किसी के जेब मत काट लीजिएगा, उनको लाइफ में वो चीज़ें मिलती भी चली जाती हैं। सो ये एक मैंने चीज़ अपने एक्सपीरियंस में पाई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका सोल अर्थ नंबर 7 निकल कर आता है, 7 यानी कि केतु, केतु के पास उसका हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। हेड ना होने का मतलब है केतु वो सारी चीज़ें देखता है जो आँखों से नहीं दिखती हैं। और अगर नंबर 7 है आपका सोल अर्थ नंबर, तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़रूर जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेडिटेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर आपने अभी तक किसी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट नहीं किया है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और आई एम श्योर कि आप एक दो बार करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप फिर इसको अपनी हॉबी में कन्वर्ट भी कर लोगे। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका सोल अर्थ नंबर 8 है, मनी को हमेशा खुद मैनेज कीजिए। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके पैसे को, या आपकी फैमिली के पैसे को, आपके स्पाउस के पैसे को, या तो कोई और मैनेज करे, या तो वो लोग खूब खर्च करने लग जाए। तो पैसों का जो लेन देन है, जो लेखा जोखा है, वो आपके हाथ में रहना चाहिए। ये है आपकी सोल अर्थ। पैसों का मैनेजमेंट, आपके बजटिंग आपके हाथ में होना चाहिए, और पैसों से रिलेटेड जो डिसीजन है, वो भी कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन के थ्रू ही होने चाहिए। तो नंबर 8, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में तो शायद आप ना कर पाएं, पर फैमिली में ज़रूर ये चीज़ अपनाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ नंबर 8 आपका जो सोल अर्ज है, एक लॉन्गर लाइफ के लिए, एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, वो है अकुमुलेटिंग अ ग्रेट वेल्थ। आप बहुत सारा पैसा अकुमुलेट करना चाहते हैं। एक होता है बहुत सारा पैसा कमा के खर्च भी कर देना, पर आप अकुमुलेट करना चाहते हो। जैसे मैंने कहा ना कि पैसों का मैनेजमेंट, तो वेल्थ का अकुमुलेट, ये आपकी सोल अर्ज है।
ठीक है। तो जब कमाएंगे तो उसको बचाएंगे भी, और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं। अगर नंबर 9 है आपका सोलर्स नंबर, देन आपके वो पावर बहुत पसंद होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप कंट्रोल वाली पोजीशन पर बैठे हुए हों, एक अथॉरिटी, एक एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में, ऐसा एक फीलिंग आपको चाहिए होती है अपनी लाइफ में। कई बार ये फीलिंग बहुत जल्दी भी मिल जाती है आपको, तो आपको इसकी लत लग जाती है। कई बार थोड़ा लाइफ में लेट भी मिलती है, पर एनीवेज जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप इसके पीछे ज़रूर भागेंगे। और अगर लग रहा है लाइफ में कुछ मिसिंग है तो यही चीज़ है जो मिसिंग है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, फैमिली में भी आप हेड बन के रहना चाहते हैं, काम में भी आप बॉस बन के रहना चाहते हैं, आप पे हुक्म चलाना कोई आसान बात नहीं है। सो कोशिश करिएगा कभी भी लाइफ ऐसी ना बने कि कोई और आप पे हुक्म चला रहा हो। ओके, सो ये थे 1 to 9 सभी के सोल अर्ज नंबर। इसमें मैंने कई सारी चीजें आपको बताई हैं पर्टिकुलरली। कोशिश करिए कि ऐसा करियर चूज करिए जिसमें आपको ये सारी चीजें शायद मिल जाएं। जैसे नंबर 9 है, आपको पावर चाहिए तो आपको सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पॉलिटिक्स, ऐसा करियर चूज करना चाहिए। अगर आप कैसे भी करके इसको पा लेते हैं, आई एम वेरी मच श्योर आप लाइफ में मुस्कुराना ज्यादा कर दोगे, आप हंसना ज्यादा कर दोगे और शांत रहना ज्यादा कर दोगे, बिकॉज आपकी सोल अब कंटेंट हो चुकी है, उसको संतोष मिल चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो रूपंडित चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।